हिंदुत्वन झूठा दसन दे उपर अरेस्ट किया गया कन्नड़ एक्टर चेतन, क्योंकि उसने ट्वीट करके ट्विटर दे उपर लिखा सी कि बाबरी मस्जिद दी जगह दे उपर नहीं होया भगवान राम दा जन्म। परंतु इस सारे मसले दे नाल नाल इलेक्शन दे मद्देनजर क्यों बीजेपी दे वल्लों टीपू सुल्तान दा नाम इस्तेमाल करके भी कीती जा रही है सियासत, अते की है सारा मामला जो इन्ना ज्यादा पेचीदगी दे नाल लगातार वधदा जा रहा है, आओ तुहानू दसदे हां। कन्नड़ एक्टर चेतन कुमार नू बेंगलुरु पुलिस ने हिंदू तत्व दे उपर कीते गए ट्वीट दे वास्ते अरेस्ट कर लिया है। हाल ही दे विच चेतन अहिंसा ने ट्वीट करके कहा है कि हिंदू तत्व दा आधार सिर्फ झूठ है। उन्होंने लिखा कि सावरकर दी ए थ्योरी कि रावण नू हरा के भगवान राम दे अयोध्या वापस आउण दे बाद ही भारत नू एक देश दे तौर ते पहचान मिली है, इस सरासर झूठ है। दस दिए कि इस सारे मामले दे विच आईपीसी सैक्शन 295A 505B दे तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दस दिए कि इस सारी गलबात दे दौरान चेतन दे ट्वीट दे उपर शिकायत मिलन तो बाद बेंगलुरु दे विच शेषाद्रीपुरम दे विच पुलिस ने उन्हां नू गिरफ्तार किया है अते चेतन दे खिलाफ हिंदू तत्व दी भावना नू चोट पहुंचाउण अते हिंदू तत्व दी बेइज्जती करन दे वास्ते आईपीसी दे सैक्शन 295A 505B दे तहत केस दर्ज किया गया है। दस दिए कि 20 मार्च नू चेतन कुमार ने ट्विटर दे उपर ना सिर्फ हिंदू तत्व नू झूठा दस्या बल्कि ए भी लिखिया कि बाबरी मस्जिद दी जगह दे उपर राम जन्म भूमि कदे है ही नहीं सी अते हिंदू तत्व दे झूठ नू असी सच दे नाल हरा सकदे हां। इसी तरह दे नाल 2023 दे विच ही एक क्लेम कि उरी गोड़ा अते नंजे गोड़ा टिप्पू दे खूनी ए भी झूठ हन, जी हां इस दे बारे विच भी जिक्र नाल दे नाल कीता गया सी। दस दिए कि बजरंग दल दे मेंबर ने ही इस दे बारे विच FIR दर्ज करवाउण दी गल कही सी। इस तों बाद बजरंग दल दे शिव कुमार ने चेतन दे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। दस दिए कि अज लोकल कोर्ट दे विच चेतन कुमार दी पेशी भी होण जा रही है। इस तों अलावा तुहानूं दस दिए कि पहला भी मुश्किलां दे विच फस चुका है चेतन। इस दे नाल ही दस दिए कि इस तों पहलां फरवरी 2022 दे विच भी हिजाब केस दी सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट दे जज दे खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट करन दी वजह दे नाल ही चेतन नूं अरेस्ट किया गया सी। इस दे अलावा ब्राह्मण समाज दे उपर भी उन्हां दे वल्लों कीते गए बयानां दी वजह दे नाल उन्हां दे खिलाफ 2 बार शिकायत दर्ज कीती जा चुकी है। इस तों अलावा दस दिए कि चेतन ने टीपू सुल्तान दे उपर बीजेपी दे क्लेम नू भी झूठा दस्या है। दरअसल कर्नाटक इलेक्शन दे विच वोका लीगा कम्युनिटी दा सपोर्ट हासिल करन दे वास्ते भाजपा ने एह क्लेम कीता सी कि उरी गोड़ा अते नंजे गोड़ा ने टीपू सुल्तान दी हत्या कीती सी, जदों कि इतिहासकारां दी जेकर गल मनीए तां एह घटना दे मुताबिक 1798 दे विच एह होई सी अते चौथे मैसूर युद्ध दे विच अंग्रेज़ां ने निजाम दे नाल मिल के टीपू सुल्तान दी हत्या कीती सी। उत्थे बीजेपी दा मनना है कि 2 वोका लीगा लीडर्स ने मैसूर नू धोखा देन दे वजह दे नाल टिप्पू सुल्तान नू मार दिता सी। तां हुण इत्थे इतिहास करन दी गलबात नू ज्यादा अहम मन्या जावेगा जां फिर भाजपा दे लीडरां दी, इह तां इक चिंता दा विशा जां फिर चर्चा दा विशा लगातार बनी हुई है। बाकी तुसीं इस सारी दिसारी गलबात दे बारे विच की कहना चाहोगे कमेंट सैक्शन दे विच जाके अपनी राय सांझी करना बिल्कुल भी ना भुलना। आई हैव डिड माय कोचिंग फ्रॉम ग्लोबवाइज ओनली फॉर आईएलटीएस एंड आई स्क्योर्ड 6.5 बैंड। My experience with GlobeWise was so well. I would really suggest each and everyone to come here and pursue their process through GlobeWise. It will be really helpful for you. Sampark karan de layi hune call karo. Delhi branch de layi 9696875875. Punjab te Chandigarh branch de layi 8725875875. साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।